और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बात बहादुरगढ़ की करेंगे जहां निजी स्कूलों की मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं। बता दें कि 134 ए के तहत बच्चों के दाखिला करवाने के लिए अभिभावकों को परेशानी आ रही है। वहीं स्कूल संचालक स्कूलों में सीटें खाली नहीं होने का दावा कर रहे हैं, तो इसी के साथ सरकार पर ज्यादा सीटें आरक्षित करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इन सबके बीच दाखिल करवाने में एक दिन का समय बाकी बचा है, जिसे लेकर अभिभावक स्कूल के बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और करनाल की नई अनाज मंडी में किसानों को खाद नहीं मिलने से भारी परेशानी हो रही है। दरअसल खाद लेने के लिए किसान सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लगे हैं और खाद के लिए टोकन भी मिल जाता है, लेकिन बावजूद इसके कई किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। किसानों का कहना है कि कई किसानों ने कल पर्ची कटवाई थी, पैसे भी जमा करवाए थे, लेकिन अभी तक उन्हें खाद नहीं मिल पाया है। वहीं क्षेत्रीय प्रबंधन निरंजन यादव ने बताया कि 5 ट्रक खाद के उनके पास पहुंचे हैं, जिसमें से 3 किसानों को बांट दिए गए हैं। हमने ये हमारी 5 गाड़ियां खड़ी है, 3000 कट्टे हमने यहीं बांटने हैं। अब 3000 कट्टे में कितने किसान ही आते हैं, उस हम कोशिश करेंगे 2 दें, 150 आदमी 2-2 कट्टे हम कोशिश करेंगे सबको उनको निपटाएं, किसान को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। इसको कम लेना है कम ले सकता है, बाकी 2-2 कट्टे 3-3 कट्टे हम देने की कोशिश करेंगे। दिक्कत तो ये आज 100 रुपये तो लीटर तेल हो रहा, रोज किया हुआ या पता करके जावा और अपना घर चले जा, 100-200 की रोटी खाई जाए ऐसी। और जो समय पर खार जो लाइन थी वो जो खड़े थे वो लाइन भी तोड़ दी ना, सारा काम खराब कर दिया। 5 ट्रक आ रहे थे, 5 यहाँ से बेच दिया अलग। ये भी यहाँ आज सारा दिन पागल बना कर रखेंगे ये कर्मचारी। कितनी समस्या होगी अगर समय पर खाद ना मिले? समस्या नहीं होगी, यहाँ तो कर्जे में डूब जाएंगे, बच्चा भी बच्चा छोटा भी सारा। और चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर्स 8 दिसंबर से अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने रोष प्रदर्शन करते हुए मंत्री कमलेश ढांडा का पुतला भी फूंका और मांग की कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 2018 में मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते को लागू किया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और हरियाणा की जेल में अब बंद कैदियों के लिए 5-स्टार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी। दरअसल यमुनानगर के जेल में मेदांता की टीम ने कैदियों की जांच की। वहीं मेदांता की तरफ से एक विशेष बस जो आधुनिक सुविधाओं से स्वास्थ्य उपकरणों से लैस है वो कैदियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। अगर कैदियों में किसी भी तरह की कोई विशेष बीमारी का पता चलता है तो उसका मेदांता अस्पताल में इलाज भी होगा। माननीय DGP साहब हैं हमारे जेल के, जो अकील मोहम्मद सर हैं, उनके आदेश अनुसार जेलों में हमने हमारी जेल में जैसे एक प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं और आज इसी के तहत मेदांता से एक TB पेशेंट के लिए जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की जो TB की जांच की जा सकती है वो एक बस यहाँ हमारे जेल में आई है और उसके साथ जो टेक्निकल स्टाफ है उनका वो भी आया है, ताकि जो जेल के अंदर TB पेशेंट हैं उनका इलाज ठीक हो सके और उनको प्रॉपर ये पता लग सके कि TB का पेशेंट है जो, उसको आगे आने वाले में टाइम में TB की वजह से ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कोविड ओमिक्रॉन वगैरह आजकल आ रहे हैं, ताकि उनका पहले से इलाज हो सके। और लोकल जो CMO साहब हैं डॉक्टर विजय दहिया जी, उन्होंने भी हमारा सहयोग दिया, वो आए यहाँ। इसमें जैसे यहाँ के जो लोकल मेडिकल ऑफिसर है उन्होंने बताया कि 50 के लगभग ऐसे मरीज हैं जिनमें खांसी की शिकायत है, उनकी स्पूटम की जांच की जाएगी, उन सभी का एक्सरे की व्यवस्था भी इसी वैन में उपलब्ध है, उनका एक्सरे किया जाएगा और यदि एक्सरे में कोई पैच आते हैं तो उन सभी का CB0 जो हमारा एडवांस टेस्ट होता है वो भी किया जाएगा। और इसमें मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा और बधाई भी देना चाहूंगा जेल सुपरिटेंडेंट साहब का कि जिन्होंने बहुत ही प्रोएक्टिव करते हुए इस जो है कैंप में हमारा सहयोग दिया है और पूरे के पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था।
कहते हैं दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है और इस रिश्ते में अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ जाए तो दोस्त पीछे नहीं हटता। लेकिन पानीपत में एक ऐसा मामला सामने आया जहां दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल तीन दोस्तों का आपस में झगड़ा हुआ और 15 साल के सूरज को दो दोस्तों ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। कहा जा रहा है कि इनके दो जो दोस्त हैं उन्होंने इनको धक्का दिया है छत से तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया नीचे, और धक्का देने के बाद वो फरार हो गए वहां से। उसके बाद फिर उस सुबह ही फिर वहां पे आ गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते आगे बात अब पानीपत की करेंगे जहां खंड समालखा में दहशत का माहौल है। दरअसल समालखा के गांव चुलकाना में देर रात गोलियां चली, साथियों संग बैठे युवक पर ये गोलियां बरसाई गई। बता दें कि दो युवक पहले से रेकी कर रहे थे, रेकी के दौरान ही साथियों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं इस घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और घटना की छानबीन शुरू की गई। घटना के तुरंत बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के अस्पताल भेज दिया है। बड़ा है प्रदीप का, ये बैठे हुए थे, पांच छह व्यक्ति हुए थे, ये बैठे हुए थे तो दो नकाबपोश आदमी आए और अंधाधुन फायरिंग की। इसके बाद धीरज की स्टेटमेंट है कि भाई वहाँ जाके प्रदीप के बाड़े में अंधाधुन फायरिंग की, नकाबपोश थे। ये नहीं बताया कह रहे कौन थे कोई किसी दुश्मनी पर बारे में पूछा, इनकार कर रहे कोई दुश्मनी नहीं थी। कैसे हुआ वारदात अभी ये तफ्तीश के बारे में पोस्टमार्टम करवा रहे। वही पानीपत में प्रेमिका के शादी से इनकार कर देने पर हताश प्रेमी ने लड़की के सामने ही ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक युवक बसंत नगर का रहने वाला बताया जा रहा है जो कि अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की की सगाई कहीं और होने से लड़का काफी परेशान था, जिसके चलते लड़के ने लड़की को रेलवे ट्रैक पर बुलाया और लड़की से पूछा कि वो उससे शादी करेगी या नहीं। इसी दौरान लड़के ने लड़की से चेतावनी दी कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो अभी उसके सामने ही ट्रेन के आगे कूद जाएगा। इस दौरान दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़के ने आती ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। और इसी के साथ 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।